हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.4 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 25। क्या कह रहा है? एक खिलौना कंपनी ए और बी दो प्रकार के गुड़ियों का निर्माण करती है। मार्केट परीक्षणों तथा उपलब्ध संसाधनों से संकेत मिलता है कि सम्मिलित उत्पादन स्तर प्रति सप्ताह 1200 गुड़ियों से अधिक नहीं होना चाहिए और बी प्रकार की गुड़ियों की अधिक से अधिक मांग ए प्रकार के गुड़ियों की आधी है। इसके अतिरिक्त ए प्रकार के गुड़ियों का उत्पादन स्तर दूसरे प्रकार यानी कि बी प्रकार के गुड़ियों के उत्पादन स्तर के तीन गुने से 600 नग अधिक है। यदि कंपनी ए और बी प्रत्येक गुड़ियों पर क्रमशः 12 रुपये और 16 रुपये का लाभ कमाती है तो लाभ का अधिकतमीकरण करने के लिए प्रत्येक के कितने नगों का साप्ताहिक उत्पादन करना चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। एक खिलौना कंपनी है जो ए और बी ये दो प्रकार के गुड़ियों का निर्माण करती है। वह कुछ अपना एक्सपेरिमेंट और उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से वो देखते हैं कि साप्ताहिक जो गुड़ियों की मांग है ना, तो वह 1200 से अधिक नहीं है, यानी कि 1200 गुड़ियां वो बेच सकते हैं प्रति सप्ताह। ठीक है, यानी कि उनका साप्ताहिक उत्पादन स्तर 1200 गुड़ियों से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो बर्बाद होंगी गुड़िया। हम लोग काहे के लिए ज्यादा बनाएंगे, जितना मांगे उसी के हिसाब से ना बनाएंगे जी। फिर आगे कह रहा है कि जो बी प्रकार की गुड़िया है वह अधिक से अधिक ए प्रकार के गुड़ियों की आधी है। उसकी मांग जो है बी प्रकार की गुड़ियों की जो मांग है अधिक से अधिक बी प्रकार ए प्रकार की गुड़ियों की आधी है। और इसके अतिरिक्त ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन स्तर दूसरी यानी बी प्रकार की गुड़ियों के उत्पादन स्तर के तीन गुने से 609 अधिक है। तीन गुने से 609 अधिक है। फिर आगे कह रहा है कि ए प्रकार के गुड़िये पे 12 रुपये लाभ होता है और बी प्रकार वाले गुड़िये पे 16 रुपये लाभ होता है, तो अधिकतम लाभ के लिए कितना कितना दोनों प्रकार की गुड़िया साप्ताहिक बननी चाहिए। तो हम लोग यहां मान लेते कि माना कंपनी प्रत्येक सप्ताह ए तथा बी प्रकार के गुड़ियों के एक्स क्रमशः कह देते हैं क्रमशः एक्स तथा वाई नगों का उत्पादन करती है। ये हम लोग यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि प्रत्येक सप्ताह ए प्रकार का जो है गुड़िया वह एक्स बन रही है और बी प्रकार वाले वाई बन रही है। हमें यहाँ पर क्या करना है? अधिकतम लाभ के लिए तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एक्स प्रकार जो ए प्रकार की गुड़िया है उसके एक पे 12 रुपये लाभ होता है, तो एक्स उनकी संख्या तो 12x लाभ हो जाएगा, इतना रुपये। और वाई बी प्रकार वाले गुड़ियों की संख्या एक पे 16 रुपये लाभ हो रहा है, तो 16y हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रैखिक असमीकरणों के बारे में। तो गुड़ियों की कुल संख्या जो होगी क्या होगी? 1200 और 1200 से कम होगी, है ना। अधिकतम कितनी है? 1200 रुपये, 1200 गुड़िया बनानी है अधिक से अधिक। तो यहाँ भी यानी कि x प्लस वाई यहाँ 1200 होगा और या 1200 से कम होगा गुड़ियों की संख्या। फिर आगे क्या कह रहा है कि बी प्रकार की गुड़ियों की अधिक से अधिक ए प्रकार वाले गुड़ियों की मांग की आधी हो रही है। ठीक है, तो ये ए प्रकार की गुड़ियों की संख्या है और वाई जो है बी प्रकार की गुड़ियों की संख्या है। तो ये जो है इस यहाँ क्या कह रहा है कि बी प्रकार की जो गुड़िया है एक्स प्रकार की गुड़ियों की संख्या से अधिक से अधिक की जो है अधिक से अधिक मांग जो है ए प्रकार की गुड़ियों की आधी है, यानी कि इसकी आधी हम लोग कर लेंगे। यहाँ से मिल जाएगा कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर हमें ये पहली रैखिक असमीकरण मिली, ये दूसरी मिल गई। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है कि ए प्रकार की गुड़ियों का उत्पादन जो है यानी कि जिनकी संख्या x है वह बी प्रकार के यानी दूसरे प्रकार के गुड़ियों के उत्पादन स्तर के तीन गुने से यह कितना अधिक है? तो अधिक से अधिक कितना है? 600 नग अधिक है। ठीक है, तो ये आपका एक तीसरा बन जाएगा। तो तीन हमारे पास ये रैखिक असमीकरण है और गुड़ियों की संख्या 0 या 0 से ग्रेटर होगी, माइनस में तो नहीं ना होगी, तो आपका ऋणोत्तर व्यवरोध भी यहाँ पे आ गया। चलिए, अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दिए गए
रैखिक असमीकरणों को, रैखिक असमीकरणों को, रैखिक असमीकरणों को रैखिक समीकरणों में, रैखिक समीकरणों में बदलने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में 1200। दूसरा हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू में 2y कर देते हैं ये वाला, और फिर तीसरा हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू में 600, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, चलिए तो अब हम लोग इनके दो दो सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तभी ना हम लोग इनका ग्राफ बना पाएंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमने यहाँ पर चार्ट ले लिया, ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग ले लेते हैं x, y, x का जीरो रखेंगे तो y का यहाँ 1200 आ जाएगा, ठीक है, और y का जीरो रख देंगे तो x का 1200 आ जाएगा, x, y, x का हम लोग ना यहाँ पर रख देते हैं 300, x का 300 रख देते हैं, या फिर y का ही 300 रख देते हैं, ऐसा रखो कि 300 का ही मल्टीपल है, y का 300 रख देते हैं तो x का 600 हो जाएगा, फिर y का हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 600, y का 600 तो x का 1200 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ x, y, ध्यान से देखिएगा, x का जीरो रख देते हैं, जीरो तो ये जाएगा उधर भाग में, तो y का जो हो जाएगा यहाँ माइनस का 200 हो जाएगा, ये जाएगा भाग में ना जी, तो 200 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और y का हम लोग जीरो रख देते हैं, y का जीरो रख देते हैं तो x का आपका 600 हो जाएगा, समझ गए ना, x का जीरो रखे तो y का यहाँ पे माइनस का 200 आएगा, और y जीरो रख दिए तो x का हमारा 600 आ गया। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और इस पर यहाँ ले लेते हैं हम लोग यहाँ y एक्सिस, ठीक है, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ x, यहाँ पर x डैश, इस पर हम लोग y ले लेते हैं, और नीचे यहाँ पर y डैश ले लेते हैं, 200, 400, 600, 800, 1000 और ये 1200, 200, 400, 600, 800, 1000 और ये 1200, ठीक है, अधिकतम 1200 है तो कहें जी। चलिए देखते हैं 0 और 1200, 0 और 1200, फिर 1200 और 0 है, 1200 और 0 है, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी रेखा, ठीक है, यही ना हो जाएगी जी। चलिए यहाँ पर इसका समीकरण देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू में 1200, फिर देखिए अब यहाँ पे चलते हैं, x का 600 और y का 300, 600 और 300 क्या किधर होगा, 200, 400, 600 और y का 300, तो ये 200 या 400 इसके बीच में, तो 600 और 300 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 600, 300, ठीक है, फिर 1200 और 600, तो x का 1200 ये रहा और y का 600 यहाँ पे हो जाएगा, 1200 और 600, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचना चाहेंगे तो ये रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, चलिए इसी तरह से ना जाएगी जी ये रेखा। चलिए तो इसका भी हम लोग यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं, x इक्वल टू में 2y। तीसरा देखते हैं यहाँ पर, x का 0, y का माइनस का 200, x का 0, y का माइनस का 200, माइनस का 200 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और हमें नीचे यहाँ बढ़ाना होगा, ठीक है। चलिए हमने निगेटिव पे ध्यान नहीं दिया है, चलिए यहाँ बढ़ा लेते हैं, यह आपका वाई डैश है, तो ये हो जाएगा ना आपका माइनस का 200, ठीक है, यही हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0, माइनस का 200, ठीक है,
और फिर यहाँ पर x का 600, y का 0, 600 0, तो 200 400 600, 600, 0। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो यह रेखा कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, इसी तरह से न जाएगी जी, चलिए इसी तरह से जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, चलिए ठीक है, यही रेखा इस तरह से ही जाएगी। तो ये इसका समीकरण क्या था, इसका समीकरण, इस रेखा का समीकरण x-3y = 600, ठीक है, x-3y = 600। अच्छा अब हल क्षेत्र का पता करेंगे, तो पहले और तीसरे में तो हम लोग 0-0 पे चेक करेंगे, दूसरे वाले पे हमें दूसरा कोई मान लेना होगा। चलिए देखते हैं, 0-0 पर असमीकाएं, ठीक है, 0-0 पर रैखिक असमीकाओं को हम लोग यहाँ चेक करेंगे। पहली वाली को देखिए, 0+0 = 1200, 0+0 = 1200, तो 0 से 0 less than है ना जी, 1200 से बिल्कुल सत्य है। तीसरे वाले को भी चेक कर सकते हैं, 0-3 × 0 = 600, तो 0 less than है ना जी 600 से, बिल्कुल ये भी सत्य है, ये भी यहाँ पर सत्य है। अच्छा अब उसके बाद ये जो ये वाला था इसको चेक कर लेते हैं, सेकंड वाले को। तो हम लोग इस रेखा के ये जहाँ से गया, इसके इधर का कोई बिंदु या उधर का बिंदु लेते हैं, 600 और 0 पर चेक कर लेते हैं, है ना, 600, 0 पर, उस रेखा पर कोई बिंदु छोड़कर बाकी कोई भी कर सकते हैं, इसमें रख देंगे। तो x का है 600 और > 2 × 0, तो 600 ग्रेटर है ना जी 0 से, 600 ग्रेटर है 0 से, है ना जी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, तो ये भी आपका सत्य हो गया, तीनों सत्य रहा, तो सत्य हो रहा यानी इसके इधर और इसके इधर, तो ये वाला क्षेत्र जो होगा इसका हल क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र। अब रहा बात कि इसके कोणीय बिंदु क्या क्या होंगे, तो देखिए कोणीय बिंदुओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोणीय बिंदु इसे हम लोग ले लेते हैं ए, ठीक है, एक ये हो जाएगा कोणीय बिंदु, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसका इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। x-3y = 600 है, x-3y = 600 और यहाँ पे है x+y = 1200, ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस ये कट जाएगा, -4y = इधर आ जाएगा -600, ये माइनस कट गया, 4 जाएगा भाग में, तो 150 आ जाएगा y का मान 150 इसमें रख देंगे, तो x का मान जो आ जाएगा यहाँ पर 1050 आ जाएगा, यानी कि ये 1050 और कॉमा में यहाँ पर हो जाएगा 150, 1050 और 150। चलिए और ये देखिए ये वाला बिंदु, ये तो सीधे ही दिख रहा है, इसका मान, x का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 800 और y का मान यहाँ पे 400, 800 और 400, और एक ये हम लोग ये डी, मूल बिंदु को तो लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ही ले लेते हैं 0, 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु, मूल बिंदु को लेने की जरूरत नहीं है, ए 600, 0, बी 1050, 150 तथा सी 800, 400 है। चलिए तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, चलिए अब यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं कोणीय बिंदु और यहाँ जेड इक्वल टू में क्या है, 12x + 16y। चलिए कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं जी, देखिए 600, 0 है, 1050, 150 है और 800, 400 है। चलिए अब इसमें रखेंगे तो 72 7200 हो जाएगा, यहाँ पे इसमें रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे
इनको सॉल्व करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, इसको उसमें रखेंगे तो यहाँ पर 16,000 आ जाएगा। तो मैक्सिमम यही ना हो रहा है, मैक्सिमम यही हो रहा है कितना पर, तो मैक्सिमम हो रहा है एट 800,400 पर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पर ए प्रकार के 800 खिलौने तथा बी प्रकार के 400 खिलौने बनाने पर कंपनी को अधिकतम लाभ होगा। और अधिकतम लाभ क्या हो जाएगा, तो अधिकतम लाभ जो हो जाएगा 16,000 रुपये का लाभ हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपके क्वेश्चन थे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।